नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। और उसी प्रकार से अपने अपने विचारों से अपने उद्देश्य को लेते हुए हम जिस प्रकार हमारा प्रॉमिस था कि कोई भी विद्यार्थी अगर हमें वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर के लिए कहेगा तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देंगे। कोई भी वीडियो अगर हमसे चाहेगा तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। उसी श्रेणी में आज हमारे पास क्वेरी आई है कि 10वीं कक्षा का DAV का मैथ्स एक्सरसाइज 5.0, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ विघन बीच में आ गए थे, तो हम इसी क्रम को आगे लेके चलेंगे। और आज हम करवा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स का 5.2 एक्सरसाइज, जो कि टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि आपके थंबनेल में भी देख रहे होंगे, एक सीडी यहाँ पर बनी हुई है। सीडी में क्या है, पहले एक स्टेप पे चलोगे फिर दूसरे स्टेप पर, इसी प्रकार से ये स्टेप्स कंटिन्यू वन बाय वन इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर एक स्टेप को आप 1 मीटर का डिस्टेंस माने तो, और अर्थ से आप दूरी मापना शुरू करें, तो फर्स्ट स्टेप के डिस्टेंस 1 मीटर, सेकंड स्टेप के लिए 2 मीटर, थर्ड स्टेप के लिए 3 मीटर, फोर्थ स्टेप के लिए 4 मीटर, इस प्रकार से कंटिन्यू ये डिस्टेंस रहेगा। तो जैसे ही आप इस चीज को लेकर चलते हैं, तो देखिए, मान लिया फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट का आपका 2 मीटर डिस्टेंस, फिर 3 मीटर, 4 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस, इस प्रकार ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर बाय चांस ये डिस्टेंस अगर आपका 2 मीटर है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए 2 मीटर, सेकंड के लिए 4 मीटर, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस 2 मीटर रहेगा, फिर 4 और 2, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, इस प्रकार से कंटिन्यू प्रोग्रेस रहेगा। तो सीक्वेंस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक वर्ड आपको क्या बताता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कंटिन्यू आप करते रहोगे, कॉमन डिफरेंस आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इस चीज को आप इस प्रकार से लिख पाओगे, फर्स्ट में अगर आपके पास ए है, फर्स्ट स्टेप की डिस्टेंस, उसमें एक निश्चित डिस्टेंस, निश्चित जो नंबर है वो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, a + d, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। अभी इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप फर्स्ट टर्म, इसे बोलोगे सेकंड टर्म, दैट इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दैट इज फिफ्थ टर्म। तब कंपेयर कीजिए, जब आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो इक्वल टू ए आता है, जब आप सेकंड टर्म की बात करते हैं a + 1d आता है, 1d, जब आप थर्ड की टर्म की बात करते हैं तो a + 2d आएगा, यानी 3 में से 1 less 2d आएगा, फोर्थ टर्म के लिए a + 3d आएगा, यानी 4 में से 1 less होकर के यहां आएगा, फिफ्थ टर्म के लिए a + 4d आएगा। तो ये आपका क्रम कंटिन्यू रहेगा। यहां से एक बात आपको क्लैरिफाई होती है, जब आप nth टर्म निकालोगे, फिफ्थ टर्म आप निकाल रहे हैं तो a + 4d आ रहा है, और फोर्थ टर्म के लिए a + 3d आ रहा है, यहां से एक सिमिट्री आपके पास निकल के आती है, a+ यहां फिफ्थ टर्म थी तो फिफ्थ माइनस 1d, और जो यहां पर थी a + 4 थी तो 4 - 1d, ये टर्म आपको निकल के आती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख पाओगे, a + n - 1 × d। तो यहां से एक रिलेशन हमें निकल के आएगा कि an = a + n - 1 d, यानी एक टर्म वहां पर लेस हो जाएगी, d डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसे आप दिखाना चाहें तो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ये था आपका जो है, पुनः आपका स्वागत है, शायद कनेक्टिविटी को समस्या थी इसी कारण डिले हो गया। तो हम कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताता है कि अर्थमेटिकली जो संख्याएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उन सब में कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है, या लगातार आपको एक डिफरेंस मिलेगा जो कि कॉमन होगा, जिसे आप डी के नाम से बोलेंगे।
यहाँ ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, या फिर कई बार ए माइनस बी ए माइनस टू डी ए माइनस थ्री डी और ए माइनस फोर डी इस प्रकार से मिलेगा। वहां पर कॉमन डिफरेंस आपको, कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा माइनस डी जब आप माइनस डी करोगे, अदरवाइज प्लस डी का डिफरेंस आपको मिलेगा। जब भी यहां पर कॉमन डिफरेंस आपको किसी सीक्वेंस में मिलता है उस सीक्वेंस को आप अर्थमैटिक कहेंगे। अर्थमैटिक वर्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही निकल कर आया है कि वो लगातार चीजें या तो किसी सेम वैल्यू के एडिशन करने से या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करने से वो चीजें सामने आएंगी।